हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक 13वीं मंजिल का दूसरा और अंतिम भाग। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। थाल चक्र की भांति टाइगर के जिस्म की परिक्रमा काटने लगा। मुझे माफ़ कर दो। फिर उस चक्र ने टाइगर को दहशतनाक लाश में बदल दिया। खच खच आ। उधर लिफ्ट में अचानक रंगा की रूह कांप उठी। बिल्ला बिल्ला, क्या हो रहा है तुझे? बिल्ला नहीं, पंडित दीनानाथ हूँ मैं। हा, 13वीं मंजिल पर आना आसान है मगर जाना नहीं। फिर मौत के हाथ बढ़े। नहीं नहीं, और फचाक, क्षण भर में लिफ्ट खून का तालाब बन गई। लिफ्ट के नीचे आते ही शायद रंगा बिल्ला अपना काम खत्म कर रहा है। जो ही द्वार खुले उसके हलक से चीख निकल गई, हे भगवान नहीं। अब उसे ये दो लाशें भी ठिकाने लगानी थी। जैसे ही सुबह विलियम ने दरवाज़ा खोला, ओ गॉड, टाइगर का सर, इसे उसी आत्मा ने मारा होगा। मैं पहले ही कहता था 13वीं मंजिल अभिशप्त है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो विलियम, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। जाने से पहले इधर आकर एक नज़र नीचे देख तो, ये तो पुलिस जीप लगती है। हाँ, लगता है ब्रांडो हमसे धोखा करना चाहता है। नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, यह वह अच्छी तरह से जानता है। जीप अब जा रही है, हमें ब्रांडो से पता करना चाहिए। ट्रिन ट्रिन। हेलो ब्रांडो, क्या बात है, पुलिस क्यों आई थी? इंस्पेक्टर राकेश पता करने आया था कि हमने होटल क्यों बंद कर रखा है। तुमने क्या कहा? यही कि होटल की आजकल रेनोवेशन चल रही है। सुनो, तुम तुरंत ऊपर जाओ। आओ, एक ज़रूरी बात करनी है, शीघ्र ही। ये क्या कर रहे हो? हम उस आत्मा के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं मरने के बाद जब तक मनुष्य के शरीर को जला ना दिया जाए तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। लेकिन इस तरह जलने से धुआं उठेगा तो उसका इंतज़ाम भी सोच लिया है। धुआं एयर कंडीशनर के डक्ट के ज़रिए बाहर जाएगा। ब्रांडो, तुम और जगह जाकर उस दीनानाथ का मृत शरीर ले आओ। ठीक है। काश ये दोनों भी आत्मा के हाथों मारे जाते तो कितना अच्छा होता। उधर पुलिस स्टेशन में, क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस इलाके का चौकीदार हूँ। जब कल रात मैंने 13वीं मंजिल की लाइट जली देखी तो मैं भी चौंका था, फिर सोचा आपको खबर कर दूँ। कौन हो सकता है 13वीं मंजिल में? कहीं ब्रांडो ने कोई कस्टमर तो नहीं ठहराया? अगर ऐसा हुआ तो आज उसकी हत्या ज़रूर हो जाएगी। मुझे तुरंत चलकर उस हत्या को होने से रोकना होगा। हवलदार, जल्दी जीप तैयार करो, हमें होटल ताज चलना है इसी वक्त। उधर 13वीं मंजिल के दहशत भरे वातावरण में, अब ध्यान से लाश निकालो। नहीं, मैं जब तक इनसे बदला नहीं ले लूँगा तब तक अपनी लाश जलने नहीं दूँगा। और जोरावर के जिस्म में अदृश्य शक्ति समा गई। अगले पल जोरावर की आंखों में शैतानियत उभर आई। ब्रांडो, अब तेरी बारी है। यह तो दीनानाथ की आवाज़ है। तभी उफ, बाल बाल बचा। नहीं बचेगा तू, थाल बचाओ। यह आवाज़ है कैसी? ब्रांडो क्यों चिल्ला रहा है? रुक जाओ जोरावर, ये जोरावर नहीं है, अब इसमें दीनानाथ की आत्मा समाई हुई है। नीचे साहब, होटल तो बंद है। यहाँ तो बोर्ड लगा है, होटल बंद रहेगा। तुम चारों तरफ से होटल घेर लो, आज 13वीं मंजिल का हत्यारा बचाना नहीं चाहिए। विलियम बचाओ, अब नहीं बचेगा तू। और इससे पहले कि व्यवहार कर पाता, थाए थाए सर, वह देखो कुदाल, वह जरूर 13वीं मंजिल से ही गिरी है। इंस्पेक्टर अर्जुन लिफ्ट पर सवार हो गया। आज कानून के पंजों से नहीं बच सकता। इधर 13वीं मंजिल पर मौत का तांडव हो रहा था। अब धुआं चाहे जहां जाए, मैं इस आत्मा का नाश करके रहूंगा। फक, क्षण भर में कंकाल जलने लगा। नहीं नहीं, मेरा प्रतिशोध अधूरा नहीं रहेगा। हा, अब आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी ब्रांडो, भागो, कंकाल उठ रहा है, मौत उनके पीछे थी। हम गलत दिशा में भाग आए, आगे दीवार है विलियम, लिफ्ट की तरफ बढ़ो। नहीं ब्रांडो, इतना वक्त नहीं है कि हम लिफ्ट की तरफ भागें, मैं अभी इस कच्ची दीवार को गिरा देता हूँ। एक ही बार में दीवार शहीद हो गई था। तभी मौत ने ब्रांडो को अपने आगोश में ले लिया। तुझे तो मैं साथ लेकर ही जाऊँगा ब्रांडो। विलियम बचाओ बचाओ। तभी इंस्पेक्टर कूदा और वह दृश्य देख उसका पत्थर दिल भी एक बार की दहल गया। उफ, ये कैसा खौफनाक नज़ारा है। देखते ही देखते दोनों राख में बदल गए। अरे, वह कौन भाग रहा है? शायद कातिल। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और हड़बड़ाहट में उसका पांव फिसल गया, फलस्वरूप उसकी सूरत देख इंस्पेक्टर चौंका। तुम बैंक लुटेरे विलियम? बोलो विलियम, तुम्हारा इस 13वीं मंजिल से क्या संबंध है?
बताऊंगा इंस्पेक्टर, मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता। सुनो, जब होटल ताज नहीं बना था तब ब्रांडो नहीं धनीराम नाम का सेठ था। एक दिन तुम लोगों को 10-10 हज़ार कमाने का मौका देने आया हूँ। काम क्या है सेठ? मेरे पिता ने पंडित दीनानाथ को 250 गज जमीन दान में दी थी, उसे वापस लेना चाहता हूँ। हम चारों ने दीनानाथ का अपहरण कर लिया और नहीं, वह जमीन दान में मिली है और दान में दी गई व ली गई चीज़ वापस नहीं की जाती। हमने ज़बरदस्ती उसका अंगूठा लगवाया और उसे कैद कर दिया। होटल बनाने से पहले मैं कोई हत्या करना पसंद नहीं करता। होटल बनने के बाद इसकी हत्या करना, तब तक तुम इसकी हिफाजत करना। फिक्र ना करो सेठ। फिर होटल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अभी 13वीं मंजिल ही बन पाई थी कि एक दिन हमारी लापरवाही का फ़ायदा उठा, पंडित दीनानाथ भाग निकला। वह होटल की तरफ भाग रहा है, पकड़ो। और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, या तुम उस होटल का निर्माण कार्य बंद कर दो वरना मैं कोर्ट में जाऊँगा। पंडित दीनानाथ! तभी पीछे से आकर मैंने वार किया। जोरावर विलियम, इसे इसी दीवार में जिंदा चिन दो, किसी को इसकी मौत का पता ना चलेगा। मगर 13वीं मंजिल पर मरने के बाद भी दीनानाथ की आत्मा का साया था। यही कहानी है 13वीं मंजिल की, पर अब उसकी लाश जल चुकी है और 13वीं मंजिल अभिशप्तता से मुक्त हो चुकी है। उसने मेरे सारे साथी कदम कर डाले, सिर्फ मैं बचा हूँ जो 2 पल का मेहमान हूँ। वो दौलत कहाँ है जो बैंक से लूटी थी? अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ बोलो। अपनी ज़िंदगी के आखिरी शब्द कहकर उसने आँखें मूंद ली। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।